नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ उसका नाम है मुगलाई चिकन। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी बनती है घर में, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मुगलाई चिकन बनती है। यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धो के मैं हांडी में चिकन पकाऊंगी, इसलिए मैं हांडी में ही मैरिनेट करूंगी। मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन में 150 ग्राम दही, 4 तेज पत्ते ऐड कर लिए हैं। अब मैं इसमें 3 इलायची, थोड़े बहुत 4 से 5 में यहाँ पर लौंग ऐड करूंगी और थोड़े बहुत 1/2 टीस्पून करीबन काली मिर्च जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 दाने जो है काली मिर्च के वो मैं इसमें ऐड करूंगी। 1/2 चम्मच में यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करूंगी। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया का पाउडर यूज़ किया है। 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने तंदूरी मसाला यूज़ किए हैं। नमक जो है वो स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं अब थोड़े बहुत दालचीनी यूज़ करूँगी, 3 से 4 दालचीनी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। 1 टीस्पून में यहाँ पर जीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून में यहाँ पर घी यूज़ करूँगी। अब मुझे एक मसाला फ्राई करना है जिसमें कि थोड़ा सा जायफल और जावित्री है और यहाँ पर 3 से 4 इलायची, 2 से 3 दालचीनी और थोड़े बहुत लौंग और काली मिर्च है। इनका मुझे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके, थोड़ा सा हम इसको रोस्ट करके एक अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। वो पाउडर मैंने यहाँ पर अभी ऐड कर लिया है। जो पाउडर मैंने वहाँ पर भून के थोड़ा सा फ्राई करके पाउडर बनाया था वही पाउडर मैंने अभी यहाँ पर ऐड किया है। और मैं इसमें ऐड करूँगी करीबन 3 से 4 टेबलस्पून काजू का पेस्ट। 4 टेबलस्पून में यहाँ पर काजू का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 बड़ा सा प्याज में यहाँ पर यूज़ करूँगी। इसके बाद थोड़े बहुत हरी मिर्च, आप देख सकते हैं इसको चीरा मैंने नहीं लगाया है। इसमें हरी मिर्च जो है वो मैंने साबुत दिया है, इसमें बिल्कुल चीरा नहीं लगा है। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ कीजिएगा, फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। इसको मिक्स करने के बाद करीबन 2 घंटे के लिए इसे हम रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। 2 घंटे बाद हम इसको पकाएंगे। पहले हम 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट में रखेंगे। देखिए 2 घंटे बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। 2 घंटे बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा बहुत। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना है। 1/2 लीटर पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। करने के बाद थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम जलाएंगे, गैस को ऑन करेंगे। करने के बाद इसे ढक के करीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं जलेगा, बिल्कुल नहीं। 1 घंटे बाद अच्छे तरीके से पक जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखिए 1 घंटे बाद मैंने ढक्कन निकाला है और ये कितने अच्छे तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। आज के लिए बस यही तक। नमस्ते।